बीएसएनएल की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर हमीरपुर बीएसएनएल कार्यालय के बाहर भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल की और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कर्मचारियों ने जल्द 15% के साथ पे रिवेज किया जाना और टावर कंपनी बनाने के विरोध में विरोध जताया है। बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज बीएसएनएल का कामकाज कुछ हद तक प्रभावित भी हुआ है। बीएसएनएल कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि बीएसएनएल का अस्तित्व खतरे में है, इसी के चलते देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते हमीरपुर में भी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए हड़ताल की है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए ताकि दूरसंचार सेवाओं में कोई बाधा ना पहुंचे। से के सभी अधिकारी और कर्मचारी गण दो दिन की देशव्यापी जो हड़ताल हो रही है उसमें हड़ताल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी मुख्य डिमांड है थर्ड पीआरसी की, जो हमें अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है हमारे, उसने बीएसएनएल बोर्ड ने उसको कर दिया है लेकिन गवर्नमेंट अभी नहीं मान रही है। और दूसरा एक जो टावर कंपनी बना रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट सभी कर्मचारी और अधिकारी मिलकर ये दो दिन की हड़ताल पर कर रहे हैं। उधर प्रोग्राम जो है वो जैसे ही हेडक्वार्टर से नहीं आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। जैसे थी सर्विसेज हम तो कोई नहीं कर रहे हैं, जैसे होंगी तो उसको अटेंड नहीं किया जाएगा दो दिन, फिर दो दिन के बाद देखेंगे कि कहाँ। ये तो 100% कर्मचारी अधिकारी सब जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे हैं, सब स्ट्राइक पे। इसमें हिमाचल में AIBSNL, SNEA, NFP, आप BMS, आप ये BSNL EU, हम सब लोग एक अम्ब्रेला के नीचे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये पूरे जोरों शोरों से स्ट्राइक को कर रहे हैं, सिर्फ दो डिमांड्स के लिए, एक थर्ड PRC और एक जो टावर कंपनी बना रहे हैं उसके विरोध में। तो ये दो दिन की हमारी स्ट्राइक है, आज से शुरू हो गई है, ऑल ओवर इंडिया हो रही है, हिमाचल में भी 100% स्ट्राइक हो रही है, सारे अधिकारी कर्मचारी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और थर्ड PRC जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, 1 जनवरी 2017 से BSNL बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, CMD साहब ने अप्रूव किया हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट के मानने की देर है। तो वो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारी डिमांड गवर्नमेंट मान ले, जिस हिसाब से लोग सड़कों पे उतर आए हैं, पूरे सब छोड़ दिया है।